के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जो मटेरियल हमारा पड़ता है वॉशिंग पाउडर में, डिटर्जेंट पाउडर में, ये सबसे पहले तो हमारा सोडा है, सही है, सोडा ऐसा हो गया ये। उसके बाद आता है अपना सॉल्ट, आता है सॉल्ट, सॉल्ट के बाद फिर उसमें डोलोमाइट डालते हैं। उसके बाद फॉर्मिंग के लिए हम SLS पाउडर डालते हैं जिससे फोम आ जाए। ये SLS पाउडर है। बाद CBSX पाउडर है। ये कपड़े में बहुत ज़्यादा चमक लाता है। ब्लैक कपड़ा हो तो ज़्यादा चमक, वाइट हो तो बिल्कुल वाइट कर देगा। लाप्सा एसिड सल्डे, इसका काम है, मेन काम है इसका क्लीनिंग और फोमिंग। इसी से क्लीनिंग भी आती है, फोमिंग भी आती है। और ये आपके कलर्स ग्रेनुलस हैं, ब्लू है, ग्रीन है, पिंक है, सारे इसी में मिक्स है, तीनों तीन कलर। कलर बहुत से होते हैं, ऑरेंज, पिंक, ब्लू, ग्रीन, वाइट भी होते हैं। ये मिक्सर है, इसमें 200 किलो माल एक बार में मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद मिक्स करने के बाद सीधा ये बकेट कन्वेयर है। बकेट के मिक्सर से निकल के माल बकेट कन्वेयर से होते हुए केज मिल में जाता है। ये यूज़ कर सकता है सिंगल पर्सन। इसमें बस हमारा अपना डिटर्जेंट पाउडर डालिए, रोल लगाइए, हीट अप करिए, मशीन रेडी हो जाएगी। आइए हम आपको बताते हैं मशीन वर्क कैसे करती है। ये मशीन हमारी हाफ HP की है। इसके अंदर कम से कम आप एक मिनट में 20 से 30 पैकेट पैक कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। मशीन का डिस्क्रिप्शन आपको बताते हैं कैसा है। ये मशीन का नॉर्मली ऑन ऑफ बटन है, यहाँ से ऑन हो गई, देखते हैं पावर ऑन हो जाता है तो यहाँ से हो जाता है। ये ग्रीन है, जब मोटर ऑन होती है तो यहाँ पे ग्रीन लाइट आपको हल्की सी ऑन दिख जाती है। यहाँ से आप दोनों साइड से ऑन ऑफ कर सकते हैं ऐसे। इसमें आपका मीटर होता है कि वोल्ट मीटर में कितनी वोल्ट में आपकी मशीन वर्क कर रही है। ये आपका दो मीटर है जो आपके एलिमेंट्स का बताता है। ये अपर मीटर है सेंटर सील का, बैक कर सेंटर सील को पैक करने के लिए। ये नीचे वाला मीटर है हमारा डाई कटिंग को सेट करने के लिए। जैसे आपको दिखा दूँ, इसमें सेट का बटन प्रेस करेंगे तो 53 है, तो उसको 53 पे, अब यहाँ पे 56 है, तो अपना भी अगर ये बढ़ जाता है तो अपना भी अपने नॉर्मल वैल्यू में आ जाता है। एज ए सेम नीचे का भी, नीचे का 100 है और यहाँ नॉर्मल देखा, नॉर्मल भी 100 है हमारा इस मशीन के अंदर है। ये हमारा मोटर बटन है, इसको मशीन को नॉर्मल ऑन करते हैं, मोटर ऑन करते हैं आपकी मशीन स्टार्ट हो जाती है पैकेजिंग। इसमें पैकेजिंग रोल जो होता है हमारा यहाँ ऊपर लगता है, इसके थ्रू यहाँ से आते वक्त यहाँ से पास होते हैं पेपर, यहाँ तक हमारे लेंस से गुजरता है, जो लेंस हमारा आई मार्क होता है। जैसे हमारा पेपर में हर एक आई मार्क होता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका आई मार्क कौन सा वाला है। अगर आपका दूसरा पैकेट है तो आपका सेंटर में आई मार्क आता है, जो साइड में कहीं पे। जैसे हमारे पैकेट में हमारा आई मार्क ब्लैक कलर का बॉक्स सा बना हुआ है रेक्टेंगल का, ये हमारा लेंस है, इसको सेंस करता है। जैसे लेंस को हमने इधर लगाया, लेंस को हम इस साइड कहीं पर भी लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से उसको सूटेबल उसका वर्क कर रहा है। पेपर थ्रू उसके यहाँ से आता है, फिर इसका ये चिमनी टाइप का है, इसके अंदर यहाँ से पेपर को साइड में बहुत प्रॉपरली ढंग से हमें सेट करना पड़ता है, जिससे हमें सेंटर सील का जो डाई रोलर है वहाँ से हमारा पेपर आराम से उसके अंदर फंस जाए और नीचे थ्रू होकर हमारा कटिंग हीटर में जाके वहाँ से कट कर हमारे पैकेट लाइक दिस, हमारे पैकेट हमारे निकल जाते हैं यहाँ से। ये
जैसे हमारा 200 ग्राम का पैकेट है तो पर 200 ग्राम का पैकेट निकालेगा। इसमें आपको हम आपको दिखा देते हैं, ये मशीन का हमारा लेंस का हमारा सर्किट बोर्ड है, इसके अंदर आपका मीटर बता दिया 32% या 32% आपका वर्क कर रहा है ये। इसके अंदर यहाँ लेंस का ऑन ऑफ बटन है, इसको ऑफ भी कर सकते हैं ऑन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका रीसेट बटन है, आपके जितने पैकेट आपके काउंट होते हैं जितने पैकेट यहाँ से सील हो जाते हैं, जब लेंस हमारा आई मार्क को सेंस करेगा उसके जहाँ से जो डाई रोल उसको कट करेगा यहाँ पे एक पैकेट नेट डाई हो जाएगा। इसको हम देखते हैं यहाँ से ये नीचे ऊपर थोड़ा पहले बाद में पंचिंग कर रहा है, तो हमें रिवर्स का बटन दबा के हमें इसके अंदर हल्का सा पेपर को ऊपर खींच लेंगे हम। तो पेपर ऊपर खींचने के बाद हम दोबारा उसको करेंगे तो प्रॉपर अपनी जगह में जहाँ पर उसको सील है उसको वहीं पर सील कटिंग होगा उसका। अब ऐसे अगर हम उसे फॉरवर्ड में अगर हमारा फॉरवर्ड से पहले सील कर रहा है तो इसे हम फॉरवर्ड कर देंगे, देखना पेपर ही अपना नीचे जाएगा हल्का सा। और इस बटन को ये दोनों बटन को हल्का हल्का ऊपर नीचे करना, अगर कंटिन्यूस प्रेस रखेंगे तो जो सेंटर सील की जो मोटर है पूरी फूक जाएगी, आपकी मशीन ऊपर से पूरी खराब हो जाएगी, आपका पूरे डायर और सेंटर सील आपको दोबारा चेंज करनी पड़ेगी। इसलिए नॉर्मली हल्का सा दबाने से हल्का सा ऊपर हो जाए इसको कंटिन्यू करना है, अगर तब भी नहीं हो रहा तब उसके बाद दबाना। अगर कंटिन्यू आप उसको पेपर सोचें कि जब तक पूरा प्रॉपर वे में ना आ जाए उसे दबाए रखें, वहाँ से धुआं आ जाएगा आपकी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा इसके, आपके जो सेंटर डाई सेंटर रोलर है वहाँ से वो आपका फूक जाएगा पूरा उसका।